खुद से अलग करके रख लूंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच बाय एसटी। मैं आप सभी के लिए लेकर आया एक जबरदस्त स्टेटस वीडियो। अगर आप भी इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज होगा उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो अब हम वीडियो एडिटिंग की तरफ चले। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। हे गाइस, सबसे पहले हम काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इस तरह का फीचर देखने का मिलेगा। उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद 16:9 को रेशियो हम लेंगे। उसके बाद मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी फोटो से स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उस फोटो को सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। ओके कर लेंगे। उसके बाद हम शुरू वाले फोटो पर क्लिक करेंगे, उसके टाइम लाइन ड्यूरेशन हम अपने अनुसार बढ़ा लेंगे। हम 11 सेकंड बढ़ा लेते हैं। दोबारा फोटो को भी सेम कर लेते हैं 11 सेकंड। आप अपने मर्जी अनुसार बढ़ा सकते हैं, आप जितने सेकंड के स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उतने सेकंड का बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे और हम एक टेम्पलेट वीडियो चूज करेंगे। इस टेम्पलेट वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग वहां पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस टेम्पलेट वीडियो को हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं, उसके बाद ओके कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करते हैं और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाते हैं। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम स्क्रीन कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद हम शुरू वाले फ़ोटो पर क्लिक करते हैं और क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट पोजीशन पर क्लिक करते हैं और उसे हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं अपने तरीके से। उसके बाद इन पोजीशन पर क्लिक करते हैं, उसे फिर से इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। इसके बाद फिर से इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं और बिगनेट वाले ऑप्शन इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद कलर एडजस्टमेंट पर क्लिक करते हैं, अब ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लेते हैं। सेम दूसरे वाले फोटो को सेम करते हैं, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट पोजीशन पर क्लिक करते हैं और उसे इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इन पोजीशन पर क्लिक करते हैं और इसे इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं। सेम इस फोटो पर क्लिक करते हैं, अब बिगनेट वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं, कलर एडजस्टमेंट ब्राइटनेस थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। उसके बाद हम शुरू वाले फोटो पर क्लिक करते हैं और 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट एज लेयर पर क्लिक करते हैं और इस फोटो को हम फ्रेम अनुसार कट कर लेते हैं। क्रॉपिंग में जाते हैं और इसे 1:1 को रेशियो में कट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। और इस फोटो को हम ये फ्रेम में एडजस्ट कर देते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने के बाद फिर से इस फोटो पर हम क्लिक करते हैं और 3 डॉट में क्लिक करते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं और डुप्लीकेट वाला फ़ोटो को हम थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्रॉपिंग में जाते हैं, हम मार्क्स वाला ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं और शेप में जाते हैं और सर्कल वाला फ़ोटो पर क्लिक करते हैं और ओके कर लेते हैं। उसके बाद हम ये फ़ोटो को ये सर्कल वाला फ़ोटो में हम एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम सेकेंड वाला फोटो पर क्लिक करते हैं, सेम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट एज लेयर क्लिक करते हैं और इस फोटो को हम सेम क्रॉपिंग करते हैं 1:1 रेशियो में
और ओके कर देते हैं। और इस फोटो को हम इस फ्रेम में सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से क्रॉपिंग वाला ऑप्शन में जाते हैं और मास्क वाला ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं और शेप वाला ऑप्शन में जाते हैं और सिक्वेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ओके कर लेते हैं और इस फोटो को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट हो गया। उसके बाद हम फिर से इस फोटो पर क्लिक करते हैं थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं इस फोटो का और डुप्लीकेट फोटो को और हम डुप्लीकेट फोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और क्रॉपिंग में जाते हैं और शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्कल वाला मैप पर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और इस फोटो को हम एक गोला वाला घेरा में एडजस्ट कर देते हैं। ओके कर देते हैं। उसके बाद हम रेक्टेंगल वाला फोटो पर क्लिक करते हैं। इस फोटो पर क्लिक करते हैं और सेम 7 सेकंड पर जाकर कैंची वाला ऑप्शन पर जाकर स्प्लिट कर देते हैं। फिर रेक्टेंगल वाला फोटो पर क्लिक करते हैं, कैसे वाला ऑप्शन में जाते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। सेम दूसरे को फोटो को ऐसे करते हैं हम। उसे 18 सेकंड पर जाने के बाद हम कैंची वाला ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देते हैं। फिर दूसरे का फोटो को सेम कर देते हैं कैंची वाला ऑप्शन में जाने के बाद स्प्लिट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद हम सर्कल वाला फोटो पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम ओवरऑल एनिमेशन पर क्लिक करते हैं और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। सेम रेक्टेंगल वाला ऑप्शन में जाते हैं हम, ओवरऑल एनिमेशन पर क्लिक करते हैं और फिलिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। सेम दोबारा फोटो में जाते हैं, रेक्टेंगल वाला फोटो पर क्लिक करते हैं, ओवरऑल एनिमेशन में जाकर फिलिक पर क्लिक कर देते हैं और रेक्टेंगल वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ओवरऑल में जाके प्लस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्त हम टेम्पलेट वीडियो में जाते हैं और टेम्पलेट वीडियो को जाने के बाद हम थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और बैरिंग टू फ्रंट कर देते हैं। उसके बाद हम टेम्पलेट वीडियो पर फिर से क्लिक करते हैं, उसके ऑडियो म्यूट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो इस तरीके से बन गया। तो दोस्तों फिर से हम लेयर में क्लिक करेंगे और मीडिया में क्लिक करेंगे, एक टेम्पलेट वीडियो फिर से लेंगे। इस टेम्पलेट वीडियो को लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस टेम्पलेट वीडियो को फुल स्क्रीन कर लेंगे हम, उसके बाद ओके कर लेंगे। फिर से इस टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन में जाएंगे और स्क्रीन पर कर देंगे ओके। उसके बाद ये टेम्पलेट वीडियो को ऑडियो भी हम म्यूट कर देंगे। सो गाइस हमारा वीडियो इस तरीके से बन गया। उसके बाद ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप जिस भी ऑडियो से स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उस ऑडियो को सिलेक्ट करके यहाँ पर रख के ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद तो हमारा वीडियो बन कर रेडी हो चुका है। दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको महक करके, आओ ना सही में तेरा ना सुनिए तेरा ना। उसके बाद हम शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके हम सेव कर लेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और
इस वीडियो में आप जहाँ भी कंफ्यूज हुए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक बार फिर से अच्छा से देख लेना। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।